सज बज के मैया नगर बिहारी को चली भक्तन तारी वे चली रुचकन मार वे चली भक्तन तारी वे चली रुचकन मार वे चली सज बज के मैया नगर बिहारी को चली भक्तन जय माता की भैया। जय माता की। कहाँ से आ भैया? सुजारा से आ। सुजारा कहाँ है जो? छतरपुर जिले में। अच्छा भैया, आपको इतने आवो कैसे भाव? अब इतने आपकी मैया के दरबार की हमें आवाज मिली, सुनबे मिली। अच्छा अच्छा, तो हम मैया के दरबार में आए।
मैं बच्चा बीमार था। तो आप तरह थोड़े विस्तार से बताएं, आपका बच्चा बीमार है तो उसको इलाज कहाँ चल रहा हो? तो हमने अस्पताल में कई जगह दमोह सागर छतरपुर चौगांव कई जगह इलाज कराओ। अच्छा अच्छा। और नागपुर की तैयारी थी। अच्छा। तो माता की शक्ति से हमें आवाज़ मिली, फिर हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि आप इसे आओ हमारे पंडा के पास, वो ज़्यादा करके आपको बच्चा ठीक हो जाए। हमने जानकारी ली, फिर हमने पंडा जी आपको नंबर लाओ, आपसे बातचीत भाई, तो हमारा की कृपा से आपने कह दी कि चलो आओ, अगर उनकी इच्छा हुई है तो ठीक हो जाए। तो आपके बच्चा को दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी कि पानी पिए चाहे खाना खाए चाहे चाय पिए चाहे जूस खाए चाहे बिस्कुट कुछ भी खाना खाए तुरंत पलटी। अच्छा। तो पेट के अंदर गाओ पलटी, पेट के अंदर गाओ पलटी, दवाई को रुबत नहीं पेट में। अब तो पूरी तरह से ठीक है? अब पूरी तरह से ठीक है। तो आपकी बारी लगी थी? बिल्कुल। और हर साल को लगाओगे? दो साल हो गए लगते। तो ऐसी माता से आप प्रार्थना करते हो? बिल्कुल कर। तो ठीक है, अगर जो संकेत अगर कोई भी अगर जैसे आपसे कोई बात कर रहे थे, आपसे जुड़ो चाहते, तो आप उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो? उनको उनसे सबसे जाई करके भैया माँ की कृपा है, अगर आप औरों को हो जाए चलो उनके दरबार में मैया के, अगर मैया की कृपा हो जाए तो सही रहे। वो आपको जो संदेश है कि माता रानी की कृपा है। बिल्कुल। और आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। ठीक है भैया, तो आप बच्चा सुखी रहे, और जो ही संदेश हम सज्जनों को दौजात के भाई धाम को न हुए, मगर आप अगर अपनी श्रद्धा भावना से उठे पहुँचो तो माता रानी की कृपा बिल्कुल असीम है। 64 मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय।